ब्रेकअप की सारी खबरों को नकारते हुए तेजस्वी प्रकाश ने कर दिया है ऐलान। कह दिया है कि बहुत जल्द करेंगे करण कुंद्रा के साथ शादी। चलिए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी बात। पर उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल वायरल खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी बात। जैसे कि गाइस, कई दिनों से ये अफवाह, ये रूमर्स चल रहे थे कि करण और तेजस्वी का, मतलब तेजरन का, ब्रेकअप हो गया है। और ऐसा होने की एक वजह ये थी कि तेजस्वी ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसकी वजह से ये सारे रूमर्स फैल गए थे। और उस पर करण कुंद्रा ने भी एक ट्वीट कर दिया था, जिसके चलते फैंस में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था। तो चलिए आज आपका सारा कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं और आपको देते हैं एक गुड न्यूज़। जी हाँ, तेजस्वी और करण बहुत जल्द करने वाले हैं शादी। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि तेजस्वी प्रकाश ने खुद किया है कंफर्म। एक इंटरव्यू के दौरान जब पिंक विला में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तब इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि मेरा शो जो नागिन 6 है, वो करण के शो तेरे इश्क में गायल से कई गुना ज़्यादा कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले करण की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस पर करण कुंद्रा ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपने शायराना अंदाज में कुछ शायरी लिखी थी, जिसके चलते फैंस में बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था। लेकिन हमारा काम है आपको सच से वाकिफ कराना। हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि करण और तेजस्वी का ब्रेकअप हो गया है, जिससे हमें बहुत सारा हेट मिला। लेकिन हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है आपको सच से वाकिफ करवाना और हम आज आपको सच्चाई बताएंगे। तो जैसे ही 7 मार्च को एक इंटरव्यू आता है जिसमें तेजस्वी प्रकाश कुछ ऐसा कहती है कि मुझे करण की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, और मेरा शो कई ज़्यादा अच्छा कर रहा है करण के शो से। और उसी टाइम, मतलब कि 7 मार्च को ये इंटरव्यू आया और 8 मार्च को करण का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो कमेंट में कहा वही हंस के कहा होता। इसी के चलते फैंस में कई सारा कंफ्यूजन हो गया कि करण ने इंटरव्यू का जवाब दिया है, जो तेजस्वी ने इंटरव्यू में कहा है उसका रिप्लाई दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये जस्ट एक इत्तेफाक था जिसके चलते ऐसे रूमर्स फैले थे। और वही इंटरव्यू की एक और क्ली बात सामने आई है, जिसमें तेजस्वी कहती है कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उन्होंने करण का एग्जैक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये किसको नहीं पता कि करण और तेजस्वी का मौन कैसा है। तो होप कि हमें बहुत जल्द खुशखबरी देखने मिलेगी और करण तेजस्वी की शादी हमें बहुत जल्द देखने मिलेगी। तो तेजरन फैंस, हो जाओ थोड़ा खुश, मुस्कुरा दो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वायरल खबरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।